फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो वैलेंटाइन डे स्पेशल क्राफ्ट का है। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बनाना सीखेंगे। इसे बनाने के लिए हमें वॉल पुट्टी और एक्रेलिक कलर चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेंगे और इसमें दो कील ठोक लेंगे कुछ इस टाइप से, और इसमें एक दिल का फिगर बना लेंगे कार्डबोर्ड पे और इसको सेलो टेप से चिपका देंगे। उसके बाद हम एल्युमिनियम फोइल लेंगे, उसको मोड़कर कॉइल बना लेंगे लंबा सा कुछ इस टाइप से, और इसे कार्डबोर्ड पे सेलो टेप की हेल्प से चिपका देंगे। अब हम वॉल पुट्टी लेंगे। मैंने बिरला वॉल पुट्टी लिया है, यह आपको किसी भी हार्डवेयर के दुकान पे 40 रुपये पर केजी मिल जाएगा। उसी का हमने डो बनाया है। वॉल पुट्टी का डो बनाने का भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिएगा मैं कैसे अपना डो बनाता हूं। अब हम इस पे कार्डबोर्ड पे पानी लगाकर ब्रश से और चिपका देंगे। पूरे में एक लेयर दे देंगे वॉल पुट्टी का। देखिए आप ध्यान से मैंने कैसे किया है। इसी टाइप से दोनों टेस्ट साइड से हम वॉल पुट्टी का एक लेयर लगा देंगे और इसको चिकना कर देंगे ब्रश से पानी लगाकर। देखिए हमने दोनों साइड से बना लिया है, चिकना भी कर लिया है। अब ऊपर हम जो मॉडल बनाएंगे उसके लिए दो लोहे की कील लगा देंगे ऊपर, और नीचे की साइड थोड़ा थोड़ा वॉल पुट्टी लगाकर इसको जाम कर देंगे और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद का काम हम ड्राई होने के बाद करेंगे। देखिए ये ड्राई हो चुका है। ड्राई होने के बाद हम ऊपर कील में एल्युमिनियम फोइल लपेट देंगे बॉडी बनाने के लिए मॉडल का, देखिए कुछ इस टाइप से, और इसके ऊपर पानी लगाकर हम ब्रश से और फिर एक लेयर देंगे बॉडी पे, वॉल पुट्टी का एक लेयर देंगे देखिए कुछ इस टाइप से। पीछे से भी हम इसी तरह लगाकर और इसको चिकना कर लेंगे। देखिए दोनों साइड से हो चुका है और ये ड्राई भी हो चुका है। अब हम इसका हैंड बनाएंगे। इसके लिए भी हमने पतला कॉइल बना लिया है एल्युमिनियम फोइल का, देखिए मोर मोर कर, और इसे भी वॉल पुट्टी की हेल्प से देखिए चिपका देंगे हम और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे हाथ को। एक लेयर सूखने के बाद ही दूसरा लेयर करें, हाथ का काम हम बाद में करेंगे जब ड्राई हो जाएगा। उसके बाद फेस लगाने के लिए हमने देखिए दो कील लगा दिया है छोटा छोटा लोहा का। अब हम पैर लगाएंगे। पैर के लिए भी हमने देखिए एल्युमिनियम फोइल का कॉइल बना लिया है पतला पतला, और इसी तरह दोनों का दो दो चार ठो क्वाइल लगा देंगे देखिए कुछ इस टाइप से। इसके बाद का काम हम ड्राई होने के बाद करेंगे, अभी इतना ही करके छोड़ देंगे हम। देखिए ये ड्राई हो चुका है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर फिर से जहाँ जहाँ ऊपर गड्ढा वगैरह है उसको फिल कर देंगे, देखिए बराबर कर देंगे, बॉडी का शेप देंगे हम ऊपर से। आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे किया है। फ्रेंड्स, अगर आप एक ही बार में सोचोगे कि वॉल पुट्टी या क्राफ्ट हम तैयार कर ले तो नहीं हो पाएगा, कि इस पे लेयर बाय लेयर काम होता है। एक लेयर सूखने के बाद ही दूसरा लेयर का काम करें तभी अच्छा बन पाएगा। आप ध्यान से देखिए हमने कैसे किया है। इसी टाइप से दोनों पैर और दोनों हाथ में हम लेयर लगा लेंगे। ऊपर नेक में भी हमने गर्दन में लगा लिया है। इसके बाद हम फेस लगाएंगे। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए मैंने हाथ में कैसे वॉल पुट्टी का लेयर लगाया है। इसी टाइप से हम बाकी सारे हाथ में भी लगा लेंगे और कुछ इस टाइप्स में मोड़ लेंगे। देखिए हमने सब में लगा लिया है। अब हम बॉडी में फेस लगाएंगे। फेस मैंने फ्रेम से बनाया है। फ्रेम का भी वीडियो मैं दे दूंगा लिंक, उसका आप डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं मैंने ये फेस कैसे बनाया है। इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है। वॉल पुट्टी लगाकर नेक में, और देखिए फेस को चिपका देंगे और पीछे से भी वॉल पुट्टी लगाकर बराबर कर लेंगे। ऊपर से हम इसका बाल बनाएंगे, देखिए पानी लगा लगा कर चिपका देंगे हम। फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरे वीडियो से कुछ सीख कर क्रिएट करते हैं तो मुझे ज़रूर शेयर करें इंस्टाग्राम पे। मैं अपने चैनल पे आपके क्राफ्ट को ज़रूर दिखाऊंगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, बाल के डिटेलिंग के लिए मैंने पतला सुई लिया है और इसी से लंबा लंबा लकीर खींचा है। देखिए वॉल पुट्टी पे कुछ इस टाइप से पतला पतला लंबा लंबा लकीर खींचकर हम बाल का टेक्सचर दे देंगे। अब हम मॉडल का ड्रेस बनाएंगे। इसके लिए भी हमने पतला क्वाइल बना लिया है वॉल पुट्टी का और पानी की हेल्प से चिपकाया है। देखिए कुछ इस टाइप से मिला देंगे हम और इसको चिकना कर लेंगे। देखिए ये फिंगर हमने कैसे बनाया है मॉडल का। इस पे भी हमने सुई से ही देखिए उंगली बनाया है, बहुत ही ईजी है। फ्रेंड्स, अब आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे ड्रेस बनाए हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता तो मैंने वीडियो को स्पीड कर दिया है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं जहां आपको समझ में ना आए।
फ्रेंड्स, आप लोग लोकल इंडियन चैनल को सपोर्ट करें। हम लोग गांव के रहने वाले हैं और बहुत मेहनत लगता है इस टाइप के वीडियो बनाने में, और हम अभी यूट्यूब पे नए हैं, और इतना मेहनत करने के बाद भी वीडियो वायरल नहीं होता है, व्यू नहीं जा पाता है, तो बहुत दुख होता है। तो प्लीज़ आप लोग छोटे यूजर को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियो को। मैं और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊंगा, अच्छा अच्छा मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और अच्छे से आप लोग को समझाऊँ और अच्छा वीडियो लाऊँ। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। बहुत लोग हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। फ्रेंड्स, हमने लड़के का ड्रेस बना लिया है, देखिए आगे और पीछे दोनों साइड से कुछ इस टाइप से। ये छतरी जो केक में मिलता है उसी को हमने कलर करके लगाया है, इसको बाद में ब्लैक कलर से कलर कर लेंगे। अब हम लड़के का फिंगर बनाएंगे, हाथ का, देखिए उंगली, सेम उसी प्रोसेस में जैसे हमने लड़की का बनाया था। अब हम लड़की का ड्रेस बनाएंगे, तो सबसे पहले हम पानी से भिगा लेंगे और इसके बाद ही हम देखिए कुछ इस टाइप से ड्रेस बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए मैंने कैसे बनाया है। इसके बाद हम लड़की का हाथ का जो फिंगर है इसको भी हम बना लेंगे, देखिए कुछ इस टाइप से। और इसे ये कंप्लीट हो चुका है, इसको हम अब ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, कलर ड्राई होने के बाद करेंगे। देखिए पीछे से भी हमने एक हाथ बना लिया है। फ्रेंड्स, हमारा ये शो पीस कम्प्लीट हो चुका है और ये ड्राई भी हो चुका है। अब इसके बाद हम सैंड पेपर लेंगे और जहाँ जहाँ अनफिनिश एरिया है सबको घिस कर फिनिश कर लेंगे, चिकना कर लेंगे थोड़ा, और उसके बाद ही इस पर कलरिंग का काम करेंगे। कलर करने के लिए हमने एक्रेलिक कलर लिया है, ये आपको मार्केट या ऑनलाइन दोनों जगह बहुत ही सस्ते दाम में अवेलेबल है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। हमने नीचे हार्ट को रेड कलर से कलर किया है, देखिए दोनों साइड से कर लिया है, और फेस को हमने स्किन कलर से कलर किया है, व्हाइट में येलो और रेड मिक्स करके ये कलर हमने बनाया है, इसी से हमने बॉडी को कलर किया है। ब्राउन कलर से हमने बाल को कलर किया है दोनों मॉडल को, और ऊपर से हल्का हल्का ब्लैक का टेक्सचर दिया है। नीचे भी हमने ब्लैक कलर से देखिए स्टेन को कलर किया है। ग्रीन कलर का हमने लड़की का ड्रेस को कलर किया है। फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पे बने रहिएगा क्योंकि इस टाइप के एक और शो पीस पे अभी वर्क चल रहा है, उसका भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। हमने मॉडल का बॉडी को कलर कर लिया है, अब हम फेस को कलर करेंगे, आईज बना लेंगे हम। इसे भी हमने ब्राउन कलर से ही बनाए हैं और इस पर हल्का हल्का ब्लैक कलर का भी टेक्सचर दिया है आईज पे। रेड कलर से मैंने लिप को कलर किया है। फ्रेंड्स, जब हमारा कलरिंग कंप्लीट हो गया उसके बाद हमने क्राफ्ट पे शाइनिंग के लिए वार्निश से कलर किया है, इससे क्राफ्ट पे बहुत अच्छा शाइनिंग आने लगता है और हमारा कलर कभी ख़राब भी नहीं होता है। हमने वार्निश का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं या किसी भी पेंट की दुकान से खरीद सकते हैं। ड्राई होने के बाद हमने नीचे लेस लगाया और हाथ में एक छतरी चिपका दिया ब्लैक कलर से कलर करके। फ्रेंड्स, हमारा ये शोपीस बनकर रेडी है, देखिए कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इस टाइप के शोपीस मार्केट और ऑनलाइन दोनों जगह अवेलेबल है और इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, पर आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही कम खर्चे में सिर्फ वाल पुट्टी और कुछ एक्रेलिक कलर की हेल्प से ये महंगा सा क्राफ्ट बनाना सीखा है हमने। तो आशा करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस टाइप के और भी लो कॉस्ट क्राफ्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।